दोस्तों, जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, किस तरीके से आप अपने चॉकलेट बिजनेस की सेल्स को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं या क्वाड्रपल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी चॉकलेट बिजनेस है, आप उसे लोकली या इंटरनेशनली या ऑनलाइन वे में या किसी भी वे में अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियली, तो आप इस दिए हुए नंबर पे, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अपने चॉकलेट बिजनेस को लंबे तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप दोस्तों एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं अपने चॉकलेट ब्रांड को। अगर आप अपने चॉकलेट ब्रांड को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी चॉकलेट की सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, लोकली बढ़ाना चाहते हैं, आप जहां पे चॉकलेट बना रहे हैं, अगर आप होम मेकर हैं, आप बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। अगर आपकी वैसे भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी की जा सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करानी बहुत आसान है चॉकलेट की बिजनेस की। आप कंटेंट बना के डाल सकते हैं, चॉकलेट का वीडियोज बना के डाल सकते हैं, चॉकलेट जो भी आप डिफरेंट तरीके की बनाते हो। आप एक वेबसाइट बना के फ्री में ब्लॉगर स्पॉट पे उसके SEO कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपने चॉकलेट ब्रांड के पेजेस बना सकते हो, उसको बेच सकते हो, पेजेस बना के किसी तरीके से उसमें आगे बढ़ सकते हो। आप रिसर्च कर सकते हो कि हाँ जी, क्या क्या नई स्ट्रेटजीज बाकी के लोग फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाए अपनी चॉकलेट ब्रांड को लेके। आप PPC कर सकते हैं, जिसको हम पेड प्रमोशन प्रोग्राम्स कहते हैं, एक तरीके से कैंपेन्स बोलते हैं। गूगल पे भी एड्स आते हैं और बाकी सारी जगहों पे भी एड्स आते हैं। आप एनालिसिस कर सकते हो, एनालिसिस करने के बाद आप उसकी मार्केटिंग ऑटोमेशन कर सकते हो, नेटिव एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। आप कस्टमाइज एक तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने चॉकलेट ब्रांड की, तो इससे आपकी सेल्स बढ़ भी सकती है, आप बढ़ा भी सकते हो। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है इसको लेके, तो नीचे दिए हुए नंबर पे जरूर कॉल करें और हम आपकी पूरी तरीके से इसमें सहायता करेंगे।